সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে উন্নত জাতের সাদা আলু রপ্তানি শুরু হয়। এবার আশায় বুক বেঁধেছেন তারা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনায় আরও বেশি উৎপাদনের তাগিদ কৃষি বিশেষজ্ঞদেরও। আলুর বাম্পার ফলনেও সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী জেলা। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वीवर्स, बांग्लादेश के पोटैटोज की बहुत ज़्यादा दुनिया भर में डिमांड बढ़ चुकी है, यानी कि बांग्लादेश के जो आलू हैं उनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त मांग है, यानी फेमस हो गए हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड में। और किस तरह से, इससे पहले आपको शायद पता ही होगा कि श्रीलंका, मालदीव, नेपाल में तो बड़ी तादाद में तो जाते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते थे पोटैटोज, आलू। लेकिन अब जनाब आपको बताएं कि इंडोनेशिया, मलेशिया और फिर सऊदी अरेबिया और रशिया भी बांग्लादेश से एक्सपोर्ट्स यानी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश से आलू लेना शुरू कर दिए हैं और पोटैटोज की मांग बढ़ गई है। इससे पहले आपको शायद ना पता हो कि रूस ने बांग्लादेश से पोटैटोज लेने से इनकार कर दिया था, ये कहकर के ये ठीक नहीं है। अब जब यूरोपीय यूनियन से रशिया कुछ ले नहीं सकता, वहाँ पर सेंशंस, पाबंदी है युद्ध की वजह से, यूक्रेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमें चाहिए जो बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं बड़े ही शानदार आलू पोटैटोज, वो उसकी डिमांड है। अब रशिया भी बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ जो इससे बड़ी खबर है, मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है व्यूवर्स, हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से दुनिया भर में फेमस हो रहा है बांग्लादेश का आलू। और सऊदी अरेबिया बड़ी मार्केट है, वो इससे पहले यूरोपीय यूनियन और फिर आपको पता है कि यूरोप से बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता रहा है आलू, लेकिन अब वो ले रहा है जनाब किससे, यानी बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया भी। जो रंगपुर के फार्मर्स हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, और सऊदी अरेबिया आपको पता है जब वो बांग्लादेश से इंपोर्ट करेगा तो फिर बांग्लादेश की कितनी और डिमांड भी बढ़ेगी, और इस प्रोडक्ट्स को लेकर के टेक्सटाइल और फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल और दिगर जितने भी बड़े सेक्टर्स के अंदर बांग्लादेश ने अपनी सलाहियतों का लोहा तो मनवाया है। लेकिन व्यूवर्स, अब इस सेक्टर एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो पोटैटोज को लेकर के भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखते हैं वीडियो, फिर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं, जुड़े रहिएगा आखिर तक और उस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अभी चैनल विजिट कर रहे हैं, अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी न्यूज़ जो आप सुनना चाहते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। वीडियो को आप ना लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी फीडबैक जरूर दें। ले जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। वाह, मशीन लगाई हुई है ये पोटैटोज। আসসালামু আলাইকুম, প্রতিবারের মতোই আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। রাশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু কেন, চলুন এই সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব এই ভিডিওতে। আলুর চাহিদার 25% পূরণকারী রংপুরের চাষিরাই এতদিন বঞ্চিত ছিলেন ন্যায্য মূল্য থেকে। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে উন্নত জাতের সাদা আলু রপ্তানি শুরু হয়। এবার আশায় বুক বেঁধেছেন তারা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনায় আরও বেশি উৎপাদনের তাগিদ কৃষি বিশেষজ্ঞদেরও। আলুর বাম্পার ফলনেও সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী জেলা রংপুরেই প্রতি কেজি মাত্র 5-6 টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। এর আগে পীরগাছা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে 4,500 মেট্রিক টন আলু রপ্তানি শুরু হয় এবং রাশিয়া সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ আমদানিতে আগ্রহ দেখানোয় কাটছে সেই করুণ দশা। সাদা জাতের প্রতিটির ওজন 100 গ্রামের উপরে আলু মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের খুবই পছন্দ। এই চাহিদা বিবেচনায় শান্তা, ডায়মন্ড, কুমারিকা, গ্রানুলা, কুম্বিকা এলুয়েট, এস্টারিক্স, সানশাইন সহ উন্নত জাতের সাদা আলু উৎপাদনে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বীজ সরবরাহ করে কৃষি বিভাগ। রপ্তানি করতে পেরে
বেজায় খুশি আলু চাষীরা। ন্যায্য মূল্য পেয়ে উৎপাদনে তাদের মনোযোগ বাড়বে বলে আশাবাদী কৃষি বিশেষজ্ঞরা। আর স্থানীয় আলু চাষীরা বলছেন, এখন উৎপাদন বেড়েছে অনেকটাই। একজন চাষি বলেন, আগে আলুর অনেক রোগ ব্যাধি ছিল, এখন কৃষি সমিতির সহায়তায় সেই সমস্যা মিটেছে। আরেক চাষি বলেন, আমাদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যার ভিত্তিতেই এবারে চাষ করেছি। আশা করছি এবারে আগের চেয়ে রপ্তানি বাড়বে। কৃষি কর্মকর্তা জানান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটানের চাহিদা বিবেচনায় উন্নত জাতের লাল আলুও উৎপাদিত হচ্ছে, রপ্তানি হবে সেসব দেশেও। বিপুল পরিমাণ আলু বিক্রিতে রাশিয়ার সঙ্গেও চুক্তি হচ্ছে দ্রুতই। রংপুরের পীরগাছা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, এস্টেরিক্স এবং এলুয়ের যে আলু আছে তা আমরা নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করছি। এছাড়া মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমরা সাদা আলু রপ্তানি করছি। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে, রংপুর জেলায় এবার রেকর্ড 52,200 হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। মানসম্মত আলু চাষ ও রপ্তানি বাড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার নতুন এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে তৎপর। তো ভিউয়ার্স, আপনি ये देखा, बड़ी ही शानदार रिपोर्ट बनाई हुई है, और किस तरह से जो बांग्लादेश का आलू है जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो फार्मर्स बड़ी मेहनत के साथ इसको उगाते हैं, फिर इसको तैयार होता है, फिर इसको जनाब पैक करते हैं, और फिर ये एक्सपोर्ट्स होता है, बाहर जाता है, और किस तरह से नेपाल और फिर श्रीलंका, भूटान, हाँ जी, इन तमाम मालदीव ममालिक में ये आलू बांग्लादेश का जाता है, एक्सपोर्ट्स होता है। और आपको साउथ एशिया का तो मैंने बताया है, लेकिन इसके बाद देखें कि रशिया, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी, इंडोनेशिया और मलेशिया भी इसको ले रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुका है, फेमस हो चुका है दुनिया भर में बांग्लादेश का जो आलू है, पोटैटो, उसकी बड़ी मांग बढ़ चुकी है। रशिया ने लेने से पहले इनकार कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और अब रशिया ही बांग्लादेश से ये जो पोटैटोज़ हैं वो लेने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसको इस कम रेट के ऊपर कहीं से नहीं मिल रहा, और यूरोपीय यूनियन के साथ उसके ताल्लुक ठीक नहीं हैं, सेंशंस लग चुकी हैं, कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें गल्फ़ कंट्री में, सबसे जो बड़ी मार्केट है सऊदी अरब की है। सऊदी अरब आपको पता है दुनिया भर से लोग वहाँ पर आते हैं, और जिसकी वजह से वो बड़ी मार्केट है, लेकिन सऊदी अरब इससे पहले लेता रहा है यूरोप से, और अब जनाब उसने रुख कर लिया है बांग्लादेश का। जनाब बांग्लादेश से सऊदी अरब ने ये फैसला, हतमी फैसला कर लिया है कि वो बांग्लादेश से ही बांग्लादेश का जो आलू है वो परचेस करेगा, यानी अब बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा। जो फार्मर्स हैं वो भी खुशहाल होंगे, उनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश है, और ज़ाहरी बात है बांग्लादेश की प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के फील्ड में, अब बांग्लादेश अपने आप को बेहतर फील करना महसूस, और मैंने देखा है जिस तरह से वो मशीनरी जनाब लगाई हुई है, और एरियल व्यू में देखा जिस तरह से बड़ी ही शानदार अंदाज के साथ उनको निकाला जा रहा है और तैयार किया जा रहा है, ये इससे एक चीज़ साबित हो रही है कि बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, सेक्टर के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी दूसरे सेक्टर्स के अंदर तो बांग्लादेश ने अपना नाम बनाया ही बनाया, लेकिन अब जनाब वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी अपना लोहा मनवा रहा है, अपना नाम रोशन कर रहा है, और उसकी मिसाल एग्जांपल आप ले लें कि किस तरह से बांग्लादेश का जो आलू है, पोटैटोज़ हैं, वो दुनिया भर में छाए पड़े हैं। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।